हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में एडमिशन्स इन चेक रिपब्लिक फेबरी इंटेक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि चेक रिपब्लिक के अंदर दो इंटेक्स होते हैं। एक होता है सेप्टेम्बर इंटेक, जो कि मेजर इंटेक होता है, जिसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, जबकि दूसरा इंटेक जो होता है वो फेबरी इंटेक होता है, जिसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ तो ओपन नहीं होती, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इसमें ओपन होती हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता। ठीक है, तो इस इंटेक के अंदर एडमिशन और वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेप्टेम्बर इंटेक। और इस इंटेक को शुरू होने का टाइम पीरियड जो है वो जून में एडमिशन ओपन होते हैं और अक्टूबर में एडमिशन क्लोज होते हैं, और आपकी क्लासेज जो होती हैं वो फेबरी के अंदर स्टार्ट होती हैं। तो एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं जो तमाम अदर कंट्रीज़ के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे इटली में भी सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिसके अंदर आपका पासपोर्ट होता है, आपकी CV होती है जो आप अच्छे फॉर्मेट के ऊपर बनाओ, ठीक है, और CV के अलावा फर्दर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपके मुफा तक अटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे आपको एक्सेप्शन मिल जाती है, लेकिन वीज़ा के टाइम पे मुफा तक अटेस्ट होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, जिसके अंदर दो तरह के सर्टिफिकेट आप इनको सबमिट कर सकते हो। एक होता है डोलिंगो का सर्टिफिकेट, जिसके अंदर कम से कम 110 या 115 तक आपका स्कोर होना चाहिए, और दूसरा आइल्स का सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो, जिसके अंदर मिनिमम 6.5 आपका टोटल स्कोर होना चाहिए। ठीक है, नो लेस देन 6 के साथ, ठीक है, किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात है आइल्स ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पे मीडियम इंस्ट्रक्शन जो यूनिवर्सिटी देती है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती। 90% यूनिवर्सिटीज आपसे या तो आइल्स मांगेंगी या तो डोलिंगो मांगेंगी। ठीक है, तो ये आपने लाजमी यहाँ पे करना होता है। ठीक है, इसके अलावा फर्दर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखने को कह सकती हैं यूनिवर्सिटीज़, और उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता ज़्यादातर रिकमेंडेशन लेटर। और फर्दर जो है वो वाइट बैकग्राउंड फोटो आपको चाहिए होती है, और बस यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं एडमिशन के टाइम पे जो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करने की जो है वो एक एप्लीकेशन फ़ी होती है जो आपने पे करनी होती है। मोस्टली तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी लाजमी होती है, वो डिपेंड करती है 700 चेक क्राउंस या फिर 800 चेक क्राउंस, 750 चेक क्राउंस, इसी के दरमियान ही होती है। और एडमिशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो काफ़ी इजी क्राइटेरिया होता है, जिसके अंदर आपने अगर कोर्स वगैरह देखने हैं तो आप सबसे पहले studyin.cz की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं, ताकि आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखें एडमिशन कब से कब तक ओपन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितनी फीस पे करनी है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपना कोर्स जाके ढूंढना और यूनिवर्सिटी ढूंढनी, एक दफ़ा ये देख ली तो ठीक है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करके आपने अप्लाई किया, फीस पे की, सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब एडमिशन के भी दो क्राइटेरिया होते हैं, या तो आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल सकता है, दूसरा ये कि एडमिशन जो है वो उससे पहले आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू या फिर कोई असेसमेंट वगैरह भी वो आपसे टेस्ट की सूरत में ले सकते हैं, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है इनके एडमिशन का। हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा चेंज क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ चेक रिपब्लिक में अप्लाई करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना, वो ये कि आपका स्टडी गैप 3 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा होता है तो ये वीज़ा के टाइम पे जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होते हो तब अपॉइंटमेंट लेने में बड़ा मसला आता है जिसका स्टडी गैप 3 साल से ज़्यादा होता है। तो जो लोग जिनका 3 साल से ज़्यादा स्टडी गैप है तो वो थोड़ा सा इसको देख के कीजिएगा, बेटर यही है कि 3 साल यानी 4-5 साल या उससे ज़्यादा गैप वाले लोग चेक रिपब्लिक में अप्लाई ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो भाई यही तमाम जो थी वो इंफॉर्मेशन थी स्टडी इन चेक रिपब्लिक से रिलेटेड टू द एडमिशंस फॉर फेब इनटेक। आई होप ये वीडियो जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आज की वीडियो में यही था गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।